हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीष बाने और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे रॉकस्टरिज्म। तो दोस्तों, हमने जो पिछला लॉक था, फर्स्ट लॉक बोरीवली के यहाँ पे, तो पूरा अंबरनाथ से बोरीवली तक संजय गांधी नेशनल पार्क तक हमने बाइक राइड किए थे अपने यामा एरोक्स के साथ। तो वो अगर लॉग आपने देखा नहीं है तो इसके पिछला वाला ही लॉग, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना। चलिए अभी यहाँ से हम चालू करते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क का एक पूरा टूर करेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, कौन सी नई नई एक्टिविटीज़ आपको यहाँ करने मिलेंगी फैमिली के साथ और किसका कितना चार्ज है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लॉग। ये रहा, यहाँ से एंट्री गेट है पार्किंग का और वहाँ पे मेन एंट्री गेट है। इधर से ही हम अंदर आए और यहीं पे टू व्हीलर के लिए बाइक पार्किंग और यहाँ पे आप देखोगे तो फोर व्हीलर के लिए और पीछे गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बसेस है, उसके ऊपर चीता भी है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सामने महाराष्ट्र शासन और चीता भी निकला हुआ है, मस्त सुंदर बस दिख रही है एकदम। और ये रही चीता वाली बसेस है सारी, इनके ऊपर देखो चीता है, मस्त लग रहा है एकदम। और काफ़ी सारी बसेस है, 1 2 3 4 5 6 6 बस है टोटल। और ये है इनका इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, यहीं पे वो चार्ज वगैरह करते हैं। चलिए अभी यहाँ से चलते हैं प्लास्टिक फ्री जोन, टिकट विंडो यहाँ पे है। और ये रहा ऊपर पर्सन अबाउट 12 इयर्स ऑफ एज, 94 रुपीज, मोटरसाइकिल पार्किंग 81। और यहाँ पे UPI भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। और मंडे को ये बंद रहता है, ये ध्यान में रखना, मंडे को ये बंद रहता है और सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक ओपन रहता है। और ये रहा यहाँ पे पर्यटन नकाशा, टूरिस्ट मैप दिया हुआ है, नौका विहार तालाब, साइकिल सुविधा, निसर्ग निर्वचन केंद्र, सुगंधी उद्यान, बाम्बू हट, ट्रेल, ये सारा यहाँ का है, शिविर वगैरह, कानेरी गुफा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। तो साइकिल सुविधा यहाँ से राइट साइड में है और निसर्ग और नौका विहार यहाँ से स्ट्रेट जाना है। और ये रहा नेशनल पार्क का एंट्री फीस टिकट, एडल्ट एक का 94, दूसरे का 94, टोटल हमारा हुआ 188। और पार्किंग का चार्जेस है 10 रुपीज़ पर आर, जितना आर आप जाओगे उतना आर्स का आपका पार्किंग हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे के लिए जा रहे हो तो 20 रुपया, 3 घंटे के लिए 30 रुपया। देखो यहाँ पे साइकिल का दिया हुआ है 80 रुपीज़ पर 2 आवर्स। जैसे ही आप चल के आओगे या फिर अपने बाइक से आओगे या फिर कार से आओगे ना, तो बाहर आपको लोग खड़े हुए दिखेंगे, तो वो लोग आपसे बोलेंगे कि साइकिल वगैरह अंदर लेके जाना है, मतलब साइकिल वगैरह का चार्जेस आपको बाहर ही वो डील करने का कोशिश करेंगे और आपसे 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ का कितना 80 रुपीज़ था और वही अगर आप बाहर से जाओगे तो 100 रुपीज़ लिए जाएंगे, तो कुछ ऐसी यहाँ पे सिस्टम है। तो ये जो आपको सामने बस दिख रही है ये जाएगी कानेरी गुफा, तो हम कानेरी गुफा तो नहीं कवर करेंगे पर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आज के ऐसा वीकेंड नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे भीड़ वगैरह बहुत कम है। वीकेंड के टाइम अगर आप आओगे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको देखने मिलेगी। तो जैसे ही आप एंटर करके अंदर आओगे, तपासनी कक्ष है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सामने मिल जाएगी कानेरी गुफा की बस, 5 या 10 रुपीज़ टिकट रहेगा, डायरेक्ट आपको कानेरी गुफा तक जाके छोड़ देंगे। और ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है कानेरी गुफाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कृष्णगुरी कानेरी नाम संस्कृत शब्द कृष्णगिरी से रखा गया है, जिसका नाम है काला पहाड़, जो एक ज्वालामुखी ब्रेसिया चट्टान में, जिनमें यह गुफाएँ उत्खनित की गई है, मतलब एक पूरा एक बेसॉल्ट रॉक है चट्टान है, उसमें ऐसी गुफाएं बनाई गई है। और ऐसी ना टोटल 121 गुफाएं हैं टोटल, पर इतने पर्यटकों के लिए खुली नहीं है, उनमें से कई सारे गुफाएं तो बंद भी है,
और कई सारे गुफाएं का काम भी आधा अधूरा ही रखा गया है, इसके लिए बंद करके रखे हैं। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है टोटल 6 किलोमीटर। यहाँ पे छोटे छोटे मंकीज पेड़ पे नाच रहे मस्त। ये सब ना मंकी के बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो देखो इनका डॉन, इनका बॉस, सबसे बड़ा मंकी। जो आपको छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे वो लोग ये फूल तोड़ के खाते हैं। बिप्टेंसा आदिवास 30-40 टोटल लेपर्ड्स यहाँ पे है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी पता नहीं। और ये पूरा एरिया देखो, जंगल एरिया है पूरा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे और जंगल एरिया मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से आगे आओगे ना तो आपको काफ़ी अच्छी जगह मिलेगी, पेड़ों के छाव में झूले वगैरह बिठाए हुए। ये बड़ा वाला भी एक है लेटने के लिए। यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है, सफारी बुकिंग विंडो का है। आगे जाएंगे तो नौका विहार तालाब भी है, तो यहाँ पे आपको क्लियर पर्यटन नकाशा मिल जाएगा। ये रहा यहाँ पे मेन एंट्री, ये साइकिल स्टैंड, यहाँ पे पानी पीने का है, यहाँ पे दो टॉयलेट है। अगर हम आगे जाएंगे यहाँ पे नौका विहार है, यहाँ पे मिनी ट्रेन दौड़ती है जो कि जंगल सफारी की टॉय ट्रेन है, पर अब भी वो शायद बंद है क्योंकि बीच में दो एक्सीडेंट हुए थे इसके वजह से, बहुत सालों से अभी तक वो चली नहीं है। अभी देखते हैं अभी चालू है या नहीं। तो यहाँ पे टॉयलेट वगैरह है और यहाँ पे है जंगल सफारी, तो यहीं से हमें शायद बस मिलेगी और ये टिकट काउंटर से हमें यहाँ तक लेके जाएंगे। और ये है इसका पूरा रोड मैप, और आगे वो बाम्बू के पेड़ वगैरह वो सारी चीज़ें ऊपर की तरफ है। ये रहा यहाँ है निसर्ग निर्वचन केंद्र, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर। और ये रहा डमी हिरन, यहाँ पे आपको चाहिए तो खरीद भी सकते हो क्योंकि वहाँ पे आगे है रूप वाटिका विक्री केंद्र, तो आपको जो भी पेड़ पौधे लगाने का अगर शौक है तो वहाँ से खरीद कर अपने घर पर लेके जा सकते हो। और ये देखो व्याघ्र सफारी के, यहाँ जाने के पहले आपको यहाँ पे खाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखो टिकट निकाली हमने, 124 रुपया पर पर्सन है, और टोटल हमारा दोनों का हुआ है 248 रुपीज़। सामने वो लायन सामने आपको दिखाई देगा, ये देखो लायन है, यौन दे रहा है यौन। हाय हाय देखो सामने टाइगर, देखो सू कर रही है वो टाइगर से। और ये रहा यहाँ पे टाइगर, और ये देखो अभी यहाँ से टाइगर बाहर आने वाला है। ये रहा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये देखो भाई रियल टाइम,
ये देखो साइज बघितली का साइज देखो भाई का ये मैंने दो देखा आपने यहाँ के दो देखे क्या देखो घूम रहे देखो अंदर वाले देखो अंदर वाले इसके साइज देखो ओह वाव सी सी हाउ क्लोज ओह माय गॉड इट्स कमिंग क्लोज एक्टिंग करके दिखा रहे एक्टिंग तो अगर आप वो बस से जाना चाहते हो ना जो कि जंगल सफारी की बस है तो 15 जन होने के बाद ही वो बस आगे निकलती है नहीं तो वो छोड़ते नहीं जब तक 15 लोग नहीं होते उसमें बच्चे वगैरह काउंट नहीं होते 15 में बच्चे छोड़ के 15 एडल्ट्स होने चाहिए और आपके साथ अगर बच्चे हो तो कोई बात नहीं तो 15 के आगे कितने भी रहने दो उतनी बस फुल करके वो निकलते और ये रहा यहाँ पे है बालोद्यान छोटा सा गार्डन है ये देखो बोटिंग का दो लोगों के लिए लिया जाता है 94 और चार लोगों के लिए 190 रुपीज़ और 5 ईयर्स के जो ऊपर बच्चे लोग हैं उनके लिए टिकट खरीदना पड़ेगा और ये है कुछ नौका विहार के बारे में और ये पानी जो है ना नौका विहार का ये बिल्कुल भी साफ नहीं लग रहा है मतलब बहुत गंदगी है पानी के अंदर पूरा ग्रीन ग्रीन हुआ है तो मुझे लगता है ये थोड़ा अच्छा करना चाहिए वाटर थोड़ा क्लीन करना चाहिए फिल्टर्स वगैरह लगा के ये रहा दो लोगों के लिए पैडल बोट और वहाँ पे थोड़ी जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वहाँ पे फैमिली बोट दिख जाएगी तो इसका एक रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन का नाम है कृष्णगिरी तो यहाँ पे देखो वन रानी का प्राउड 61 बच्चों के लिए 23 रुपीज़ पर अभी ये पूरा बंद हो चुका है देखो कांच भी टूटी हुई है तो बहुत साल हो गए ये बंदी है और ये रहा कृष्णगिरी रेलवे स्टेशन और यहीं पे मतलब आप अच्छे अच्छे फोटो वगैरह ये थोड़ी ये सामने जो दिख रहा है ये सांबर लग रहा है बहुत ही बड़ा है जो अपनी काऊ रहती है ना गाय उसके आकार का है बहुत ही बड़ा है ये देखो ये एकदम नज़दीक से और ये रहे सामने और चार है काड़वेट सांभर जैसे ही है सींग देखो कितने बड़े है और ये रहे सामने हिरन का पूरा झुंड बैठा हुआ है आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा पर यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो दिख जाएंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 या 7 है यहाँ पे पीछे साइड भी है बहुत ही ज़्यादा है वो देखो सारे उठ गए यहाँ से 10 भी नहीं है 20 से भी ज़्यादा है अभी मुझे ठीक से दिखाई दे रहे सब लोग बैठे हुए थे और उनका कलर भी थोड़ा सेम ही है नीचे के जो पत्ते पड़े इसके लिए वाह यार ज़बरदस्त यहाँ पे दो छोटे छोटे म्यूज़ियम भी है हमने एक म्यूज़ियम विज़िट किया अंदर कैमरा वगैरह लेने को अलाउ नहीं है तो वहाँ पे बस जानवरों के ऐसे तस्वीरें है शेर है बाघ है
तो ऐसे सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। छोटा सा संग्रहालय बोलते हैं ना वो टाइप का है, पर काफ़ी अच्छा है वो भी म्यूज़ियम। उसका कुछ एंट्री कॉस्ट फ्री कॉस्ट वगैरह नहीं है, तो आप डायरेक्टली फ्री में जा सकते हो अंदर। तो दोस्तों अभी अपना पूरा संजय गांधी नेशनल पार्क विजिट करके हो चुका है, वैसे वो पूरा तो नहीं हुआ क्योंकि हम कानेरी केव्स वगैरह नहीं गए, पर कानेरी केव्स भी अगर जाते हो तो आपका पूरा डे इसमें पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा है ये पूरा एरिया। तो इसके वजह से आप कानेरी केव्स भी जा सकते हो और जो जो मैंने प्लेसेस विजिट की वो सारे आप विजिट करना, काफ़ी अच्छे है, मज़ा आ गया। और अगर आप जानवरों की बात करो तो जानवर में आपको दिख जाएंगे हिरन, दिख जाएंगे सांबर कालवीट, दिख जाएंगे उसके बाद में मंकीज़ बहुत सारे, बाद में शेर और लायन, इतने सारे, सॉरी शेर और लायन एक ही होता है, टाइगर्स और लायंस इतने सारे देखने मिल जाएंगे। लायन एक ही देखने मिलेगा पर टाइगर आपको कम से कम 5 से 6 देखने आराम से मिल जाएंगे, और अपने फुटेज में तो देखा ही रहेगा वो टाइगर कितने नज़दीक आ गया था बस के, तो अच्छा सा फुटेज भी लेने को मिला, तो वो एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। तो ये आप एंजॉय करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे स्पॉट में आपके लिए लेके आऊँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो और राइड करो।